हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन का मीनिंग तो हमको पता ही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस? सो रिसोर्सेस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर वी गेट। ओके, डू यू नो द वे वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल क्लास, सिमिलरली वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन एंड इट इज डन एट रेगुलर इंटरवल्स। विच वे वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन? लाइक यू ऑल आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 8, राइट? वी नो दैट 8th सन इज देयर एंड 8th मून इज देयर। 8th सन में हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर? फ्रॉम देयर हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मैनी बॉयज आर देयर? 8th मून हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर? आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मैनी बॉयज आर देयर? दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट। The same way we also can collect the information about the entire population, not only about the class, not only about the Vastral, not only about the Gujarat, or not only about India, but the whole over world information we can collect, and this happens or it is done at regular interval, or ye regular interval par hota hai, means after every 10 years जो पॉपुलेशन रेशियो है वो पब्लिश होता है। व्हाट इज सेंसस? व्हाई इज इट कैरिड आउट? सेंसस क्या है और ये क्यों किया जाता है? सो सेंसस मीन्स कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री इज नोन एज द सेंसस। पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसे कैटलॉग करो। कैटलॉग करना तो आप लोग जानते ही हो, बाइफरकेट करना, मैन वुमेन किड्स टोटल। सो कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग जो है अबाउट पीपल जो कंट्री में रहते या फिर कंट्री के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, लाइक गुजरात तो गुजरात में और अहमदाबाद और राजस्थान और मध्य प्रदेश और आसाम और बिहार और उत्तर प्रदेश, wherever they are living, that is known as a census. It is done every 10 years under the regulation of central government. Central government we are knowing, which is also called union government, जो central level पर है, country level पर। So उनकी regulation के under every 10 years में ये census होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे कैटलॉग करना। पॉपुलेशन की ही काउंटिंग होती है? नो, पॉपुलेशन कितनी है उसमें इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, मेल कितने फीमेल कितने, वो पूरा रेशियो पब्लिश होता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। द लास्ट सेंसस इन आवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द ईयर 2011। लास्ट सेंसस जो था वो 2011 में कैरी आउट हुआ था, बिकॉज उसके बाद तो 10 इयर्स तो 2021 में हो रहे। सो 2011 में लास्ट सेंसस कैरीड आउट हुआ था, विच वॉज डन 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद 7th टाइम किया गया था, बिकॉज इंडिपेंडेंस तो हमें 1947 में मिली। सो 51, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011 7th टाइम पब्लिश हुआ था। इन द सेंसस ऑफ 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें देर वॉज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन। 2011 का जो सेंसस हुआ उसके अंदर ऐसा प्रोविज़न बनाया गया कि ईच एंड एवरी पर्सन जो है उनको यूआईडी नंबर, आपने सुना होगा,
UID means unique ID number. ID हमको पता है, हमारी identity is called ID. So unique ID number और हर एक को identity card. Identity card आप लोग जानते हो, छोटे से छोटे बच्चे का भी आधार कार्ड बन रहा है. So each and every person का identity card and unique ID number उनको provide किया गया, जो 2011 के सेंसस का स्पेशल फीचर था, खास बात थी. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. ये हमारी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. अगर आपको पता हो तो आपके घर पर गवर्नमेंट के कुछ 2-3 पर्सन आते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी बुक होती है और वो बुक के अंदर वो लिखा रहता है हाउस नंबर 15A और 201C, E201, E102 हाउसेस नंबर. देन टोटल मेंबर्स आर देयर 7. 7 में से मेल कितने? 4. फीमेल 3. किड्स 2. एडल्ट 1. दिस वे इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है. पूरे कॉलम होते हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन लिखी जाती है. ह्यूमन रिसोर्सेज इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री. ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो कंट्री का ह्यूमन कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है कंट्री का. अगर हम डेवलप हुए तो कंट्री भी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी. The development of a nation depends on its human capital. As I told you, के nation की development जो है वो human capital पर depend है. We all are the wealth of a nation. हम सब लोग nation की wealth है. Wealth आप लोग समझते हो ना, property जिसे हम कहते हैं. Wealth को हम लोग generally money से consider करते हैं, but it is not only money, okay? Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and quantity of human resources that contribute a lot to the economic development. Country ka jo development hai, wo sirf कंट्री का जो एरिया है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारी कंट्री का जो है नियर अबाउट, तो सिर्फ एरिया पर डिपेंड नहीं है. या फिर हमारे कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, रिवर आर देयर, ओशियन इज देयर, बे ऑफ बंगाल इज देयर, अरेबियन सी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, हिमालयन माउंटेन है, नॉर्थन ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स आर देयर, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, एटमोसफियर ऐसा है. नॉट ओनली दैट, बट ऑल्सो इट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. हमारी जो क्वालिटी एंड क्वान्टिटी है उस पर भी डिपेंड करता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम इलिटरेट है तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हम हिंड्रेंस प्रूव होते हैं, ऑब्स्टेकल बनते हैं. अगर हम लिटरेट है, नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है, तो हमारे टैलेंट का डायरेक्ट बेनिफिट हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को होता है. द हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स एंड एम्बिशंस increase the productivity of the nation and as a result the country develops. Health, education, professional skills, हमारे अंदर जो skills होने चाहिए, जो talent होता है, and ambitions. Generally हम लोग क्या करते हैं कि हम study India में करते हैं, India में पढ़ते हैं, India से सीखते हैं, and then उसका benefit other countries को मिलता है, because हम अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं. अगर पीपल की हेल्थ जो है वो पुअर है,
मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो किसी ना किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो वो कंट्री डेवलप नहीं होगी, वहाँ की लाइफ क्वालिटेटिव लाइफ नहीं है। एजुकेशन इज मस्ट एंड एम्बिशन, हमारा जो गोल होना चाहिए फॉर द फ्यूचर, ये सब नेशन की प्रोडक्टिविटी जो है उसे इंक्रीज करते हैं। आप नेशन को माइंड में नहीं रखकर अपने आप को अगर माइंड में रखते हो कि मेरा डेवलपमेंट होना चाहिए, तो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नेशन डेवलप होता है, बिकॉज आप अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ अर्न करोगे, और वो अर्न करने के लिए आपको अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपना जो स्किल है उसे शो करना पड़ेगा। और वही प्रोडक्शन जो है, जो आपने अपने टैलेंट से प्रोड्यूस किया है, वो प्रोडक्ट ही नेशन को प्रॉफिटेबल प्रूव होता है, एंड दिस वे कंट्री डेवलप्स। दिस इज डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स, ये जो है वो नेसेसरी मेजर्स जो है, नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए किया जाता है। क्यों? तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज एक फैमिली है और वो फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स है, और उनकी सैलरी जो है, इनकम वो 50,000 है। ओके, वो एवरी मंथ 5 केजी शुगर लेकर आते थे, 10 केजी राइस रिक्वायर था, 3 केजी पल्स रिक्वायर थी, मंथली नियर अबाउट 1500 वेजिटेबल्स के लिए जाता था, 1000 मिल्क का जाता था। अब सडनली फैमिली के अंदर एक मेंबर ऐड हो गया, किसी बच्चे का बर्थ हुआ और टोटल 6 जन हो गए। अब ये बच्चा मिल्क ज़्यादा पिएगा तो यहाँ पर इफ़ेक्ट होगी, डेफिनेटली होगी। वेजिटेबल्स जो है वो बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाएगा, लेकिन वो भी इंक्रीज तो करना पड़ेगा उसको सूप पिलाने के लिए, इसका पानी पिलाना पड़ेगा, तो पल्सिस जो है वो बॉयल करके खिलानी पड़ेगी। तो ये सब जगह पर हमें इंक्रीज करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं होता है बट इंक्रीज करना पड़ता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इफेक्ट होती है, ये जो 50,000 है वहाँ पर। द सेम वे, अगर हमें हमारी कंट्री को डेवलप करना है तो कितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई, कितनी पॉपुलेशन राइज हुई, मेल फीमेल कितने लोगों की हेल्थ कैसी, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्लान, सबको फूड प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, रेसिडेंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये गवर्नमेंट का वर्क है कि हर एक पीपल को 2 टाइम का जो मील है, न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड हो, एंड उसे अरेंज करने के लिए पॉपुलेशन कितनी है वो तो पता होना चाहिए। लाइक सपोज़ हम लोग खाना बना रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि कितने मेंबर हैं। 5 मेंबर के लिए जो खाना बनेगा, कल को अगर 7 मेंबर्स होंगे तो वो इंक्रीज करना पड़ेगा फूड, 3 मेंबर हुए तो कम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये नेसेसरी है कि सेंसस जो है वो किया जाए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। सो सेंसस इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, नेसेसरी है, इन ऑर्डर टू प्लान। किस लिए? इन ऑर्डर टू प्लान आउट कंट्रीज 5-year डेवलपमेंट प्लान। हमारी कंट्री जो है वो 5 years, जिसे आपने सुना होगा, गुजरात में रहते हो तो मोस्टली गुजराती में ही सुना होगा, पंचवर्षीय योजना जिसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड 5 years डेवलपमेंट प्लान। तो कंट्री के वो जो 5 years के डेवलपमेंट के प्लान है उसे प्लान आउट करने के लिए सेंसस इज मैंडेटरी।
अब ये 5 ईयर के प्लानिंग में क्या प्लानिंग होती है? तो फूड, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। लोगों को खाना मिले, वाटर प्रोवाइड हो, रेजिडेंस मिले, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, एम्प्लॉयमेंट मीन्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, एजुकेशन मिले और उनको प्रोटेक्शन भी, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो। नाउडेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड। सेंसस में तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की ही बात कर रहे हैं, बट नाउडेज आज के टाइमिंग में सिचुएशन ऐसी है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी रिकॉर्ड रख रहे हैं। कैसे पता चलता है? तो देखो, हमने बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व जोन्स एस्टैब्लिश किए। क्यों? बिकॉज वी रियलाइज दैट दिस स्पीसीज ऑफ एनिमल इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट होने की वर्ज पर है। पॉसिबिलिटी है कि नियर फ्यूचर में शायद हमको वो एनिमल देखने को ना मिले। जैसे कि डायनासोर स्केलेटन पर से हमें पता चला कि डायनासोर ऐसा था, बट हम में से किसी ने भी रियल डायनासोर को नहीं देखा है। द सेम वे ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे बट अभी नहीं है। वल्चर, जिसे हम वॉलंटियर क्लीनलीनेस कहते हैं, क्लीनलीनेस के वॉलंटियर्स है, मतलब वॉलंटरीली वो एटमोसफियर को क्लीन करते हैं डेड एनिमल्स जो उनका फ्लैश खा के। जनरली हम उन्हें लाइक नहीं करते बिकॉज वो रॉ फिश फ्लैश खाते हैं। किसी भी एनिमल की जो डेड बॉडी है उसका फ्लैश वो खा जाते हैं, सुनकर हमें ई आ ऊ होता है, बट अल्टीमेटली वो एटमोसफियर को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी वहीं पर पड़ी रहेगी, वो डीके होगी, स्मेल आएगी, देन उसमें मॉस्किटोस होंगे, जर्म्स होंगे। हमने रोड साइड पर देखा है कई सारे एनिमल्स होते हैं कि मोस्टली जो हाईवे से वहाँ पर होता है कि सडनली डॉग या कैट रोड क्रॉस करने गई और 80-100 की स्पीड पर हमारी गाड़ी जा रही है, हम उड़ाकर चले जाते हैं, फिर उसको कोई नहीं उठाता, वो धीरे 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 उसके ऊपर से गाड़ियाँ पास होती जाती हैं। कुछ लोग साइड में से निकाल लेते और कुछ तो ऊपर ही चढ़ जाती है। सुना है हमने, देखा है। एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंग के मीनिंग का मतलब, सॉरी, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंग का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है? तो एंडेंजर्ड मीन्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, जो अभी एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, मतलब कि अभी एग्जिस्ट तो करते हैं बट लेस नंबर आर देयर। एंड एक्सटिंक्ट मतलब टोटली डिसअपियर हो चुके हैं। जब आप 10th में आओगे तब बहुत सारी स्पीसीज के बारे में आपको पता चलेगा, इवन 9th में भी, के बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो पहले थे अभी नहीं है। आप कभी काकरिया जू विजिट करने जाना, अहमदाबाद में रहते हो सब, तो के इतने सारे केज हैं ना, अर्ली टाइमिंग में सारे केजेस के अंदर बर्ड्स एंड एनिमल्स थे, एक भी केज खाली नहीं था, इसलिए उतने बनाए गए हैं। बट अभी आप जाओगे तो बहुत सारे केजेस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है बट अंदर बर्ड देखने को नहीं मिलते, या हार्डली 1-2 बर्ड्स होते हैं। पहले वो पूरा भरा रहता था। हमारे यहाँ पर वो छोटी सी, वो स्पैरो जिसे हम चकली कहते हैं, स्पैरो, वेरी स्मॉल बर्ड, वो घर के अंदर आकर नेस्ट बनाती थी जब हम बच्चे थे। आज वो हार्डली देख मिलती है बट बहुत रेयरली, बहुत कम देखने को मिलती है। सो ऐसे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लायन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, गिर फॉरेस्ट जो है उसे लायन के लिए सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और उसकी वजह से नंबर ऑफ लायन जो है वो इंक्रीज भी हुए हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं जो बर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड है।
क्योंकि प्लांट्स भी उतने ही यूज़फुल है। देखो हमारी जो कंट्री है उसमें आयुर्वेदा में 2000 टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स डिस्क्राइब किए गए, मतलब हमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लांट्स जो है उसी से मेडिसिन बनाई जाती थी। अर्लियर टाइमिंग में आपने देखा अगर वो चार पांच पत्ते तोड़ कर लाते थे, उसे उस वो स्टोन से क्रश करते थे, उसका स्क्वैश निकालते थे और वही पिलाते थे, पर्सन थे ठीक हो जाते थे। इवन अगर आपका बोन ब्रेक हुआ है उससे जॉइंट करने का पावर भी नेचर में है, ऐसे प्लांट्स अवेलेबल थे, अभी भी है, बट उसका नॉलेज हमें नहीं है। हम तो वो एलोपैथी की जो मेडिसिन आती है ना टैबलेट, वो टैबलेट पर ही ट्रस्ट करते हैं, बट प्लांट्स जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। इवन डोमेस्टिक एनिमल्स जो है जिसे हम टैम करते हैं, वो एनिमल्स को भी काउंट किया जा रहा है। एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पर एग्जैक्ट इट इज़ गिवन दैट द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारी जो लैंड, हमारी जो अर्थ है उसमें ओनली 1/4 पार्ट में ही लैंड एरिया है, बाकी के 3/4 पार्ट वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, कवर्ड है। सो वो टोटल लैंड एरियाज में से 2.42% इंडिया कवर करता, टोटल 100% जो एरिया है उसमें से 2.42% एरिया इंडिया का है। कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। आप लोग मैथ्स पढ़ते ही हो, आपको पता ही है कि जब भी हम उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो उस टाइम पर क्यूब एंड स्क्वायर लिखा जाता है। ओके, सो स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर्ड बाय इंडिया। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड्स 7th इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उसमें एरिया वाइज इंडिया जो है वो 7th नंबर पर है। इंडिया से लार्ज एरिया वाली जो कंट्रीज है वो टोटल 6 कंट्रीज इंडिया से बड़ी है, 7th नंबर पर इंडिया है। मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से एरिया हमारा 2.42 है, बट पॉपुलेशन हमारी 16% है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन चाइना में है एंड आफ्टर दैट इन इंडिया। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, और ये मैप अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो देखो कि यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर जो है उसकी पॉपुलेशन दी गई है, देन पंजाब की पॉपुलेशन दी गई है, हरियाणा की है, राजस्थान की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है, ऊपर स्टेट के नेम है, ये स्टेट के नेम है, महाराष्ट्र, दादरा एंड नागर हवेली, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका, एंड विद दैट ऑल्सो द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो गिवन हियर। ओके, सो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि जिसके अंदर आपको क्या करना है कि 2011 का सेंसस नेट पर दिया हुआ ही है, वेबसाइट दी हुई है, उसको स्टडी करके
आपको लिखना है कि इंडिया में मेल कितने, फीमेल कितने, टोटल कितने पॉपुलेशन। देन गुजरात स्टेट हमारा है तो हम गुजरात के बारे में लिखेंगे, मेल फीमेल एंड टोटल। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, वी आर लिविंग इन अहमदाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो अहमदाबाद, सो अहमदाबाद की। एंड हमारा जो विलेज या सिटी मीन्स वी आर लिविंग इन वस्त्राल, तो वस्त्राल के मेल फीमेल एंड टोटल। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सिस। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन, क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी है, क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, गुड हेल्थ है, ऐसे जो पीपल है वो ह्यूमन रिसोर्सिस है। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस डिपेंड ऑन ह्यूमन रिसोर्सिस, मतलब कि ह्यूमन की जो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव पॉपुलेशन जो हमने बोला वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस पर। स्किल्ड सिटीजन्स लाइक, स्किल्ड मतलब जिनके अंदर टैलेंट है, जो ट्रेंड है, ऐसे लाइक डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबरर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सिस, जो किसी ना किसी वे में कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं बाय एनी मीन्स। अगर घर पर कोई लेडी बैठकर स्टोन स्टिक करके भी कुछ अर्न कर रहे हैं तो वो भी कंट्री की इकोनॉमी में डेवलप, सॉरी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सिस। चिल्ड्रन एंड यूथ जो है वो अभी अर्न नहीं कर रहे, इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट वो पोटेंशियल रिसोर्सिस है कि वो बड़े होकर डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज वो बड़े होंगे। चिल्ड्रन एंड यूथ जो है वो एम्प्लॉयड होंगे, अर्न करेंगे और कंट्री की इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। सो दिस वॉज अबाउट द सेंसस एंड इंडिया, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, बट दिस पॉइंट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज इन ऑनलाइन लेक्चर, यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू ऑल।